पृथ्वी सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, लेकिन किंतु उनके लालच की पूर्ति के लिए नहीं। ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने कि जो हमारी पृथ्वी है, देखिए ये हमारा प्यारा गोला यानी कि हमारी पृथ्वी, इस पर इतने एक तरह से इतने संसाधन काफ़ी हैं जो आप सभी लोगों की हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, जितनी हमारी ज़रूरत है। लेकिन आप समझिए, अगर हमारे अंदर लालच आ जाता है तो हमारी पृथ्वी भी हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कम पड़ जाएगी। ऐसी कई पृथ्वी की ज़रूरत होगी हमें, आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक घर है, आपका परिवार आराम से उस घर में रह सकता है, लेकिन आपकी लालच बढ़ जाए तो आप 10 घर बनवा लें, तब भी आपकी लालच कम ही पड़ी रहेगी। समझ रहे हैं आप लोग? आपको लगेगा हमारे पास कम ही एक तरह से घर हैं। तो यही है लालच। और एक और गांधी जी ने पर्यावरण को लेकर एक और वक्तव्य दिया था कि जो आप जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारे पास पर्यावरण बचा हुआ है, ये हमारे पूर्वजों की एक तरह से हमारे ऊपर कर्ज है, ये हमें कैसे चुकाना होगा? हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सेफ रखकर हम लोग उनके कर्ज को अदा कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि SDG या फिर MDG गोल्स निर्धारित किए गए थे। समझ रहे हैं आप लोग? सतत विकास लक्ष्य, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य एक तरह से होते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो इनसे याद रखिए, आज का ये टॉपिक आपका परीक्षा के पॉइंट व्यू से तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है। आपके प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, और अगर आप लोग आंसर लिखते हैं या फिर आप लोग निबंध लिखते हैं, तब भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें आपके जो भी पॉइंट हैं उन सभी को आप लोगों को एक तरह से याद रखना है, हर जगह इनका उपयोग होता रहता है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के बारे में। यह है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं MDGS, ठीक है। तो क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2000 के सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन में 2015 के लिए 8 वैश्विक विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और याद रखिए, आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, वहाँ ये सम्मेलन हुआ था सन 2000 में, ठीक है, याद रखिए। तो तभी ये लक्ष्य एक तरह से निर्धारित किए गए थे, और जिन्हें हम लोग सहस्राब्दी विकास लक्ष्य कहते हैं। इसमें कौन कौन से लक्ष्य आपके शामिल थे इनके बारे में याद रखिए, आपके दो सन 2000 से लेकर 2015 तक के लिए थे। आपने देखा है 2015 से फिर आपके एम जो SDG इंडेक्स एक तरह से गोल्स आ चुके हैं। तो इनके बारे में पहले आप लोग देख लीजिए, 8 कौन कौन से हैं। एक में इसमें पहला था आपका भुखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, दूसरा था सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, तीसरा था लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण, चौथे नंबर पर था शिशु मृत्यु दर को घटाना, और 5वें नंबर पर था मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, और 6वें नंबर पर था HIV या फिर एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, और 7वां था पर्यावरण सतर्कता यानी कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता रखना, और 8वां था आपका वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। समझ रहे हैं आप लोग? यही आपके आठ के आठ जो सहस्राब्दी इंडेक्स थे, या इंडेक्स भी कह सकते हैं आप लोग, जो भी लक्ष्य थे इन्हें बनाए गए एक तरह से। और आप लोग इन्हें समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपके आपके क्षेत्र में कहीं वन लगा हुआ है यानी कि जंगल है। अब सोचिए आप लोग कि सभी गांव वाले एक तरह से उसका उपयोग करने लगते हैं, और सभी लोग एक तरह से लालच भरी निगाहों से उसका उपयोग करते हैं उन संसाधनों का, तो आप समझिए कि एक समय के बाद वो खत्म हो जाएंगे। तो क्या हो कि पूरा गांव बैठकर वहां एक तरह से नियम उसके लिए बनाए कि आपको ये करना होगा, अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो एक छोटा पेड़ लगा भी सकते हैं, इस तरह से आप लोग जो भी नियम रख लें, ठीक है। तो यही हुआ, आप देखेंगे सन 2000 तक सबको ये मालूम चल चुका है दुनिया भर को कि जिस हिसाब से हम लोग संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इसी तरह से अगर हम लोग अंधाधुंध करते रहे, लालच भरी निगाहों से करते रहे एक तरह से, तो कुछ समय के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये पृथ्वी भी हमारे लिए कम पड़ जाएगी। तो इन्हीं के लिए, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक तरह से ये सम्मेलन किया गया, और ये जो आपके लक्ष्य थे इन्हें निर्धारित किया गया, और सभी से कहा गया कि आप इन लक्ष्यों को मानते हुए अपने जो भी आपको काम करना है करिए, ठीक है। तो इन 8 को भी आपको याद रखना है, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। भुखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, दूसरा था सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, तीसरा था लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण, चौथा था आपका शिशु मृत्यु दर घटाना, 5वें नंबर पर था मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना,
और छठवें था आपका HIV, एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना। सातवां था पर्यावरण सतत 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 सतत
लोगों से बोल रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट प्रीलिम्स में भी पूछ लेता है, फिर चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो या फिर आपका सिविल सर्विस हो या फिर आप वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तब भी आपके इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र के बारे में वैसे मैं विस्तार से बात कर चुका हूँ, महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में सभी डले हुए हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपका। आप सभी को मालूम होगा कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए आप देखते हैं कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। इसके अगर मुख्यालय की हम लोग बात करें तो न्यूयॉर्क में है। अब आप कहेंगे न्यूयॉर्क कहाँ है, तो देखिए आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका जाइए, चलिए हम ही यात्रा करवा देते हैं आप लोगों। देखिए ये है न्यूयॉर्क, ठीक है, यही है इसका मुख्यालय। और इस पृथ्वी में अगर हम अपने भारत की बात करें तो ये हमारा प्यारा भारत। अगर अपने पड़ोसियों की बात करें तो आप देखते हैं श्रीलंका ये हो गया, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, यही है। ये आपके सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य हो गए। एक शब्द और सुनते हैं आप लोग, एजेंडा 2030, यानी कि क्या है आखिर ये एजेंडा 2030। तो याद रखिए कि 2015 से शुरू संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में अगर अगले 15 वर्षों के लिए सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। एक तरह से आप समझिए कि जो 2000 में सन 2000 में निर्धारित किए गए थे वो 2015 तक के लिए था, वो 2015 खत्म हो रहा था, तो उस समय आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक हुई, इसमें अगले 5 साल के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए उन पर बात की गई है। ठीक है, तो इसे ही आप लोग क्या कह देते हैं, सतत विकास लक्ष्य कह देते हैं। याद रखिए 2000 सन 2000 से 2015 तक की अवधि के लिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की योजना बनाई गई थी, और जिनकी अवधि आप देखेंगे 2015 में पूरी भी हो गई चुकी थी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे आने वाले वर्षों के लिए एक नया एजेंडा यानी कि 2030 को औपचारिक तौर पर सभी सदस्य राष्ट्रों ने अंगीकृत किया। और सतत विकास लक्ष्यों की बात करने से पहले यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि आखिर सतत विकास लक्ष्य क्या किस तरह से हैं। तो इसे आप लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2020-2030 यानी कि 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्प को, जिसे सतत विकास लक्ष्यों के नाम से भी आप लोग जानते हैं। भारत सहित 193 देशों ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में इसे स्वीकार भी किया था, और 1 जनवरी 2016 से ये लागू भी किए जा चुके हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और याद रखिए 2030 तक है ये जो भी नियम इसमें लगे रखे गए हैं लक्ष्य, ये 2030 तक चलने वाले हैं। तो आप समझिए 2030 तक जो भी एग्जाम होते हैं आपके सभी में पूछे जाएंगे। ठीक है, और आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आप लोग कोई निबंध उठा के देखिए, आप लोग फिर चाहे आप लोग आंसर उठा के देखिए, उसमें सभी आंकड़े आपको उपयोग करने लायक ही होते हैं। ठीक है, इसके तहत आप देखेंगे 17 लक्ष्य, 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिन्हें 2016 से लेकर 2030 की अवधि में प्राप्त करना है। और याद रहे कि इसमें से 8 लक्ष्य सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों से लिए गए हैं और जिन्हें और व्यापक बनाते हुए अपनाया गया है। जो पुराने 8 रखे गए थे उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है और विस्तार से एक तरह से इन्हें अपनाया गया है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 में कुल 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था जो इस तरह है। पहला क्या था, गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से समाप्ति करना, यानी कि पूरी दुनिया में जो भी आप देखते हैं गरीबी उसे पूरी तरह से खत्म करना। अभी तक तो आपने देखा है कुछ नहीं हुआ है, हमारे देश में भी आप लोग देखेंगे एक तरफ बड़े बड़े कई जगह आप अपने शहर में भी देख सकते हैं कि एक तरफ बड़ी बड़ी मल्टी देखने को मिल जाएगी, एक तरफ आपको झोपड़ी झोपड़ देखने को मिल जाएंगे, एक तरफ आप देखते होंगे कि खाना बचता है फेंक दिया जाता है, दूसरी तरफ वही खाना उठा के खा लिया जाता है, तो ये कितना भेदभाव है आप समझ सकते हैं। दूसरा क्या कहता है, भूख समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। आप समझ सकते हैं कि जब आप गरीबी खत्म होगी तो भूख भी समाप्त हो जाएगी, जब पैसा आ जाएगा तो लोग खाना भी तो खाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग। तो दूसरे लक्ष्य में रखा गया है कि भूख समाप्ति, खाद्य सुरक्षा
और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, ये दूसरा लक्ष्य है, ठीक है। तीसरे में क्या कह रहा है, सभी उम्र के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि आप समझिए, पहले में कहा गया है कि अगर गरीबी खत्म हो जाएगी, यानी कि गरीबी को आप खत्म करिए तो अपने आप भूख खत्म हो जाएगी, यानी कि दूसरा इंडेक्स क्लियर हो गया, और भूख समाप्त होगी यानी कि भूखा कोई नहीं रहेगा तो वो स्वस्थ भी रहेगा। आप समझ रहे हैं, तीसरे में ये कहा गया। चौथा क्या कह रहा है, समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। एक तरह से आप स्वस्थ रहेंगे, आपके पास पैसा रहेगा, आप आगे क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई भी करेंगे, ठीक है। तो चौथे में ये कहा गया। पांचवे में कहा गया है कि लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बना करना। आपने देखा होगा कि अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को आगे लाना चाहिए, समझ रहे हैं, लैंगिक असमानता को खत्म करना चाहिए, ठीक है। आगे क्या कहा गया छठवें में, इसमें कहा गया कि सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे सातवें में क्या कहा गया है, सातवें में कहा गया है कि सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। और आठवें में कहा गया है कि सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभ्य काम को बढ़ावा देना। नौवे में क्या कहा गया, लचीली बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। आगे क्या है, देशों के बीच और भीतर असमानताओं को कम करना। आगे आपका सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना। आगे है आपका स्थायी खपत उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। अगले में क्या कहा गया है, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। अगला है स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करना। आप देखेंगे अगला सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाली स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। अगला है आपका सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी जवाबदेही बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। लास्ट सत्रहवा क्या कह रहा है, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना। ये है आपके 17 गोल्स, ठीक है, SDG गोल्स, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एक बार फिर से देख लिया लीजिए आप लोग, और मुझे लगता है कि आप लोगों को लिख कर देख लेना चाहिए, एक तरह से आपको कंठस्थ याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इनका उपयोग होगा। आप लोग पर्यावरण पर कोई क्वेश्चंस लिखेंगे, आपका उपयोग करना होगा। आप लोग महिलाओं पर कोई निबंध लिखने के लिए आता है तब भी आप उपयोग कर सकते हैं इनका। जब आप देखें गरीबी पर, आप शिक्षा पर, समझ रहे हैं, तो आप लोगों को मुझे लगता है कंठस्थ याद हो जाना चाहिए। जो सतत विकास लक्ष्य 17 है, इसमें क्या कहा गया है, पहला आपका गरीबी के सभी रूपों को पूरी दुनिया से समाप्त करना, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भूख समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। तीसरा कह रहा है कि सभी उम्र के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। चौथे नंबर का गोल्स कह रहा है कि समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। पांचवा कह रहा है कि लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। छठवा कह रहा है कि सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सातवा कह रहा है कि सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। आठवा कह रहा है कि सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभ्य काम को बढ़ावा देना। नौवा कह रहा है कि लचीली बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा देना। दसवा क्या कह रहा है आपका, देशों के बीच और भीतर असमानताओं को कम करना। ग्यारहवा कह रहा है कि सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना। और आप देख, और बारहवा क्या कह रहा है, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। तेरहवा क्या कहता है, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। चौदहवा क्या कहता है, स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करना। और आप देखेंगे कि पंद्रहवा क्या कहता है,
सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। अब सोचिए आप लोग कि जब भी आप लोग पर्यावरण पर कोई क्वेश्चंस लिखने के लिए आता है या जैव विविधता से संबंधित कोई क्वेश्चंस आता है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और 16वां कहता है कि सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी और जवाबदेही बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। 17वां और अंतिम क्या कहता है, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना। ये थे आपके 17 सतत विकास लक्ष्य, इन्हें भी आप लोग याद रखिए और MDG जो गोल्स रखे गए थे उन्हें भी आप लोगों को याद रखना 8 को, ठीक है, याद रखिए। ये आगे आपके जो भी 2030 तक चलेगा उन सब के लिए आपके लिए वैसे भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यही कहानी है इनकी आपकी।